देखिए देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी से सब्जियों के पैदावार पर असर पड़ा है और इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। मुंबई की सब्जी मंडी से जी बिजनेस संवाददाता सौरभ पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें हरी सब्जी हैं, जिसमें पालक है, धनिया है और टमाटर, आलू और प्याज, ये सबसे ज़्यादा जो है फोकस में आ रही है। इस वक्त हम पहुँचे हैं मुंबई के खार मार्केट में और आइए सीधा ग्राहकों से बात करते हैं कि उनको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। सर, आप सब्जी खरीदने मार्केट आए हैं, क्या देख रहे हैं, कितनी प्राइस इंक्रीज? प्राइसेस तो बहुत ऊपर गई है और बहुत दिक्कत हो रही है मिलने में, इसमें तो इसका क्या हल है, कैसे होगा? और बारिश भी इतनी है ही नहीं, बोलते हैं बारिश है बारिश है, बारिश तो इतनी है ही नहीं। टमाटर का भाव तो अभी बहुत बढ़े हुए हैं, तो सबका बजट फिर आगे जाता है, बढ़ जाता है बजट। कीमतें बढ़ रही है सर, वो तो बढ़ ही रही है, उसमें कॉम्प्रो का तो कोई सवाल ही पैदा होता है। कॉम्प्रो आप किधर कर सकते हो कि आप आउटिंग कम कर सकते हो, यू कैन वेयर क्लोथ्स, यू कैन नॉट, देयर इज़ नो नीड ऑफ बाइंग क्लोथ्स अननेसेसरीली, एसेसरीज, बट फूड इज़ द नेसेसिटी। कितनी भी कीमतें बढ़ेगी आपको खाना ही है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर नहीं सकते। जो आपको पेट को भूख लगेगी वो तो आपको खाना देना ही पड़ेगा। सब्जी की कीमतें बढ़ने की वजह है कि जो गए साल बारिश हुआ वो पूरा नहीं हुआ, कम हुआ बारिश, बारिश की वजह से पानी नहीं है, पानी नहीं होने के कारण सब्जियों का भाव बढ़ा। और कुछ जगह जो बारिश हुआ है, नासिक हुआ, जैसे पूना हुआ, वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत जो बारिश हुआ उससे जो जूनी फसल थी वो ख़राब हो गई, इसके वजह से भाजी का सब मार्केट बढ़ गया है। तो जिस तरह से हम दुकानदार हैं और ग्राहक हैं उनसे समझ पा रहे हैं, उनका कहना है कि बढ़ती कीमतों की वजह से ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं और सबसे ज़्यादा असर उनके घर के बजट पर पड़ रहा है। सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और जो भी कदम है वो उठाने चाहिए ताकि ग्राहकों के हितों में निर्णय लिए जा सके। विजय जर्नलिस्ट विद्या के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।